हेलो फ्रेंड्स, आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स अबाउट द इंडियन स्टेट्स का पार्ट टू लेकर हम आपके पास आए हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और आज हम देख लेंगे कि हमें जानकारी है या नहीं कि किस स्टेट का स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्किड है या हॉर्नबिल फेस्टिवल कब मनाया जाता है और किस स्टेट में मनाया जाता है या फिर लार्ज कार्डमम बड़ी इलायची हमारे देश में सबसे ज्यादा किस स्टेट से आता है। तो आइए हम बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं, मगर उसके पहले हम फिर से एक बार देख लें कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसको ऑफिशियली NER यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कहते हैं, इट्स अ ईस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इट कंप्राइजेस 8 स्टेट्स, इसमें 8 स्टेट्स आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। यू कैन लुक ओवर हियर, ऑल द कलर्ड पार्ट्स, ऑल द कलर्ड स्टेट्स आर पार्ट ऑफ NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अरुणाचल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड हियर सिक्किम, जो कि इन 7 सिस्टर्स का भाई माना जाता है। हम यहाँ देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे मोर देन 220 एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके अपने फेस्टिवल्स हैं, उनके अपने कल्चर हैं और बहुत ही विविड है, ये बहुत कलरफुल होते हैं। यहाँ पे न्यूमरस फ्लोरा एंड फौना है, वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे, राइट? तो हम चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इन विच स्टेट लेक इज कैबुल लैमजो नेशनल पार्क, आई मीन द क्वेश्चन इज तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, कौन से लेक में कैबुल लैमजो नेशनल पार्क है? ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये दुनिया में एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और इस पे जब वहाँ डियर मिलते हैं, हिरण मिलती हैं, हिरण इधर से उधर कूदती है ना, तो वो लगता है एज इफ कि दे आर डांसिंग, तो उनको डांसिंग डियर भी कहते हैं। तो ये जो कैबुल लैमजो नेशनल पार्क है, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, ये किस लेक में है? क्या ये वुलर लेक में है? नहीं हो सकता, क्योंकि वुलर लेक कश्मीर में है। लोकटक लेक, लोटस लेक या चिल्का लेक, चिल्का जो कि उड़ीसा में है, तो इसमें से क्या होगा आंसर इसका, आइए देखते हैं। और इसका राइट आंसर है लोकटक लेक, जो कि मणिपुर में है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया है, थोड़ा ध्यान से इसको याद कर लेंगे। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट मणिपुर? स्टूडेंट्स, एक बात मैं बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द अपकमिंग MTS एग्जाम, SSC एग्जाम, इवन फॉर योर PCS एंड IAS। तो ये सारी चीजों क्वेश्चंस जो है किसी ना किसी तरह से आपको हेल्प करेंगे, तो इन्हें सबको बहुत ध्यान से और मल्टीपल टाइम्स इसको देख लीजिएगा तो आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट मणिपुर? नाउ पहला पार्ट, अ मार्केट रन बाई ओनली वीमेन, अराउंड 4,000 वीमेन मिलकर एक मार्केट चलाती हैं, एक यूनिक चीज है। क्या ये स्टेटमेंट रॉन्ग है अबाउट मणिपुर? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। वहां पे एक ऐसा मार्केट है विच इज टोटली रन बाई वीमेन, अराउंड 4,000 वीमेन। नाउ द सेकेंड वन, द अर्लियर नेम ऑफ मणिपुर वॉज कांगलाई पैक, बिल्कुल राइट है, ये भी राइट ऑप्शन है। मणिपुर वॉज निकनेम्ड ज्वेल ऑफ इंडिया बाय इंदिरा गांधी, नहीं ये रॉन्ग है, क्योंकि ज्वेल ऑफ इंडिया मणिपुर को बोले थे जवाहरलाल नेहरू। एंड द लास्ट वन, द अर्लियर नेम ऑफ मणिपुर वॉज मितेलई पाक, और ये भी राइट है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि ज्वेल ऑफ इंडिया मणिपुर को निकनेम दिया था हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, विच इज द ओनली कंट्री दैट शेयर्स बाउंड्री विद मेघालय? एक ही कंट्री है जो मेघालय से अपना बाउंड्री साझा करता है, नेपाल, चाइना, भूटान या फिर बांग्लादेश। यहां पर देखिए पिक में हम देख लेते हैं, ये मेघालय रहा और ये बांग्लादेश रहा, तो मेघालय से सिर्फ बांग्लादेश लगा हुआ है, म्यांमार इस तरफ है, चाइना ऊपर है, भूटान और मेघालय के बीच में आसाम आ जाता है, नेपाल भी दूर है, तो द आंसर, राइट आंसर इज बांग्लादेश है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, विच आउट ऑफ दीज स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद अरुणाचल प्रदेश? इसमें से अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ कौन सा है? मेघालय,
नागालैंड, सिक्किम या मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश से कौन सा स्टेट लगा हुआ है इनमें से? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ये रहा अरुणाचल प्रदेश, इससे दो स्टेट लगे हुए हैं, एक तो आसाम है, काफी बड़ा बाउंड्री बनाता है इनके साथ, और दूसरा है नागालैंड। यहाँ आसाम ऑप्शन है नहीं, नागालैंड ही ऑप्शन है, एक है, तो आंसर विल बी नागालैंड। फिफ्थ क्वेश्चन, ये विच स्टेट इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिन ऑफ द गेम पोलो? पोलो एक खेल होता है जो घोड़ों पे बैठ करके और बड़े से स्टिक से बॉल को लेकर के गोल पोस्ट में मारा जाता है। इस खेल का ओरिजिन किस राज्य में हुआ था, क्या माना जाता है सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? देखिए यहाँ फोटो से आपको पता चलेगा मणिपुर में हुआ था। ये पहला पिक जो अभी तक रेफरेंस मिलता है 1875 में, बहुत पहले, ठीक है, करीब 150 साल पहले की बात है ये वाली पिक। अभी मॉडर्न पोलो तो काफी डिफरेंट है, ये देखिए मॉडर्न पोलो काफी कलरफुल हो गया है, सब कुछ बदल गया है, हेड गियर चेंज है, घोड़ों के पैर में भी कुछ कुछ बांधा जाता था कि उनको भी चोट से बचाया जा सके। सो द राइट आंसर इज मणिपुर इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिन स्टेट ऑफ पोलो। इन विच सिटी द लार्जेस्ट मोनास्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट ऑफ इंडिया, बुद्धिस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, बुद्धिस्ट लोगों का सबसे बड़ा मोनास्ट्री किस राज्य में है? आइए पहले उसका फोटो देख लेते हैं। ये देखिए यही वो मोनास्ट्री है, राइट? और ऑप्शंस आपके पास ईटानगर है, बॉम्बडिला है, पासीघाट है या तवांग है, राइट? एंड द राइट आंसर इज तवांग, इसलिए इसको तवांग मोनास्ट्री भी कहते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में, राइट? नाउ विच वन इज रिकग्नाइज्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? आज लगता है अरुणाचल प्रदेश पे कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन है। तो मिथुन, ये मिथुनदा नहीं है जो अभी बंगाल में काफी रोड शो कर रहे हैं, तो ये मिथुन चक्रवर्ती नहीं ये एक पशु का नाम है, स्नो लेपर्ड, वाइल्ड डियर या फिर बोर? आप यह फोटो देखेंगे तो समझ जाएंगे लेपर्ड तो है नहीं, डियर भी है नहीं, राइट? तो राइट आंसर इज मिथुन। सो मिथुन इज द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नाउ एट्थ क्वेश्चन, बाय विच नेम आउटर और सब हिमालयन रेंज आर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ है, हिमालय का जो पार्ट है, उसको किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक से या मिसमी हिल से, बराइल रेंज या कछार हिल्स? एंड द राइट आंसर इज मिसमी हिल्स। अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली फॉर पीसीएस, सो थोड़ा ध्यान से इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगेन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, इन अरुणाचल प्रदेश द टर्म झूम इज अ टाइप ऑफ, झूम का मतलब क्या है? क्या एक तरह का ड्रिंक है, पीकर लोग झूमते हैं, किसी तरह का ये डांस है, या किसी तरह का प्लांट या पौधा है, या फार्मिंग का कोई तरीका है? एंड द राइट आंसर इज फार्मिंग, ये एक तरह का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। नॉर्मली जहां पर कम इंसान है और ज्यादा जमीन है तो लोग फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, एक जमीन पर दो साल तीन साल क्रॉपिंग किया, फर्टिलिटी उसकी कम हो गई तो दूसरे जमीन पर चले जाते हैं। इस तरह का पैटर्न अरुणाचल प्रदेश में इस्तेमाल किया जाता है और उसको वहाँ झूम कल्टीवेशन, वहाँ के लोग झूम कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा टर्म भी है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नाउ द 10th क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज पैराडाइज ऑफ, देखिए पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट फ्लोरा फौना, वेरियस टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना से भरा हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश इसमें कुछ खास ही है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को पैराडाइज ऑफ क्या बोलते हैं? पैराडाइज ऑफ बोटनिस्ट बोलते हैं, जूलॉजिस्ट बोलते हैं, इकोलॉजिस्ट बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और अंदाजा मिल चुका होगा आपको इसको कहते हैं बोटनिस्ट, राइट? सो इट्स पैराडाइज ऑफ बोटनिस्ट। द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ऑफ किस स्टेट का ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है? इसमें देश विदेश से बहुत लोग आते हैं देखने के लिए, ये काफी बड़े पैमाने पर होता है। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर या नागालैंड, कहाँ का ये फेस्टिवल है? द राइट आंसर इज नागालैंड, और देखिए यही वो हॉर्नबिल पक्षी है, राइट? नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, द मेन रिलीजियस ग्रुप ऑफ नागालैंड, नागालैंड का मेन जो रिलीजियस ग्रुप है वहां पे कौन सा रिलीजन सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है? क्या वो हिंदुइज्म है, खासी लोग है, या फिर लेपचा है, या क्रिश्चियंस है? तो स्टूडेंट्स इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं, क्या है आंसर? इसका राइट आंसर है क्रिश्चियन, और वैसे भी नागालैंड में ऑफिशियल लैंग्वेज भी वहां का इंग्लिश है। 13th क्वेश्चन है, विच स्टेट इज टू द वेस्ट ऑफ नागालैंड, नागालैंड के वेस्ट में कौन सा स्टेट है?
पश्चिम की तरफ। मैंने कई बार इस चीज को बताया है, हमारे बहुत सारे जो वीडियोस गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे, कि आप स्टेट के साथ के एडजॉइनिंग स्टेट्स का या एडजॉइनिंग कंट्रीज का नाम अच्छे से याद रखें, यानी कि उसके मैप पे बार बार देखें, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस रहते हैं। छोटे छोटे स्टेट्स हैं, काफी सारे स्टेट्स उससे लगे हुए हैं, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है। तो कोशिश करिए इसको मल्टीपल टाइम्स देख करके से याद कर लें। फिलहाल नागालैंड के वेस्ट में कौन सा स्टेट है, तो यहाँ पर हम उसके पिक को देख लेते हैं। ये नागालैंड है, नागालैंड के ईस्ट में तो म्यांमार है, ओके, इसके वेस्ट में क्या है आप देखकर बता सकते हैं, ये आसाम है, पूरा का पूरा वेस्ट में आसाम है। सो द राइट आंसर इज आसाम। नाउ व्हिच नॉर्थ ईस्ट स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद नागालैंड, कौन सा इसमें से नागालैंड से शेयर नहीं करता है। अगर हम मैप देखें तो नागालैंड से शेयर क्या क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, इधर आसाम करता है, और यहाँ पे मणिपुर है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड यहाँ मणिपुर है, ये रहा नागालैंड। तो आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम नहीं शेयर करता है, वो नीचे है मिजोरम इस जगह पे। तो इन सब ऑप्शन में राइट आंसर विल बी मिजोरम। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ वी हैव मूव टू क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। दिस शुड बी क्वाइट इजी फॉर यू ऑल। नागालैंड का कैपिटल क्या है? नाको, नाको याद रखिएगा। नागालैंड कैपिटल कोहिमा, इट्स नाको, राइट। विच स्टेट मेक्स द सदर्न बाउंड्री ऑफ नागालैंड, नागालैंड का सदर्न बाउंड्री, ये नागालैंड है, इसका साउथ में कौन सा है? ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। तो नागालैंड के साउथ में क्या हो गया, क्या हो गया? अगर आपको आंसर आ रहा है इसके कमेंट बॉक्स में डालिए ना, इतने शाय क्यों है, कमेंट में डालिए, आंसर्स डालिए, राइट। चलिए मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ, आप आंसर डालिए, वैसे भी मैप देखकर आपको समझ में आना चाहिए। सो द राइट आंसर इज मणिपुर। नाउ 17th क्वेश्चन, क्वाइट अ गुड वन, व्हिच इज द होम स्टेट ऑफ एमसी मैरीकॉम। ये वर्ल्ड चैंपियन रही है बॉक्सिंग की, इन पर एक फिल्म भी बना है मैरीकॉम, जिसकी ये हीरोइन है प्रियंका चोपड़ा। तो ये किस स्टेट से है? सिक्किम। देखिए ग्रेट प्लेयर्स का कौन सा स्टेट है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ भी पर और भी चीज़ों पर, और भी जो प्लेयर्स हैं, हम लगभग सब कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, तो उस पर ध्यान देंगे आप। सो ऑप्शंस आर सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम या आसाम की है ये। राइट आंसर इज मणिपुर। द फेमस 6 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन एमसी मैरीकॉम, शी हैज आल्सो वन एन ओलंपिक मेडल। A movie Maricom, role played by Priyanka Chopra, right? So you can make all these points clear from these pics. So now the 18th question, which is the state animal of Nagaland? Nagaland ka state animal kya hai? Right? Aur ye raha, inka photo dekh kar samajh jaiye kya ho sakte hai ye? And the right answer is buffalo. Ek variation hai sab buffalo ka, right? Now the 19th question, again very very important point. The Hornbill Festival is celebrated every year on the first week of. ये कब होता है? और मैंने बताया आपको पूरे देश विदेश से लोग यहाँ जाते हैं देखने के लिए इस फेस्टिवल को, काफी रंगारंग कार्यक्रम होता है, बहुत बढ़िया लगता है। And the right answer is December. ये first week of December में होता है, roughly ये 1 से 10 तारीख तक में हो जाता है, right? Now the 20th question, which country shares its border ऑन द ईस्ट साइड ऑफ नागालैंड। नागालैंड के ईस्ट साइड में कौन सा कंट्री है? और यहाँ देख लीजिए, ये रहा नागालैंड, ये ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड में क्या है? द राइट आंसर इज म्यांमार। सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। सो नाउ मूव टू द 21st क्वेश्चन, द मेन ट्राइबल ग्रुप ऑफ मणिपुर। मणिपुर का सबसे मेन ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला? द राइट आंसर इज मिताई। Approximately 27% of the population of Manipur is of Mitai tribal group. 22nd question, which state is to the north of Manipur? Now every time many of questions are based on the map. So Manipur, here it is Manipur. Nagaland, Manipur, Mizoram. Namami, aise yaad rakhiye, Namami. Ye to aam hai, maine first video mein hi bataya tha, aam. That is Arunachal, Assam and Meghalaya. AAM, AAM. Here it is Namami. Nagaland, Manipur, Mizoram aur ek bach gaya yahan Tripura. Filhal ye pucha hai north of Manipur. Manipur ke north mein kya hai? To north mein kya hai? It's Nagaland. Option A.
Nagaland is the right answer. But in third question now, which northeast state does not share boundary with Myanmar? ये northeastern states में कौन सा state है जो Myanmar से boundary नहीं बनाता है? तो हम देख लेते हैं कौन बना रहा है boundary. ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये तो बना रहा है. मैं यहाँ लिख करके ही बता दूँ आपको, this is अरुणाचल प्रदेश, right? और ये म्यांमार से बना रहा है बाउंड्री. ये नागालैंड, ये भी बना रहा है. मणिपुर अगेन इससे बन रहा है. एंड मिजोरम, नागालैंड मणिपुर मिजोरम, राइट. तो ये चार स्टेट है, ए 1, 2, 3 एंड 4 जो म्यांमार से बाउंड्री बनाते हैं. तो नागालैंड बिल्कुल बनाता है, मिजोरम बिल्कुल बनाता है, ये रहा मिजोरम. मणिपुर ये भी बनाता है, लेकिन ये जो त्रिपुरा है ये नहीं आता, क्योंकि यहां तक ये बांग्लादेश का पार्ट है. सो त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो म्यांमार से बाउंड्री नहीं बनाता, राइट. आई बिलीव कि आंसर आपको अब समझ में आ गया होगा. चलते हैं 24th क्वेश्चन पे, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का. विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर क्या है? पहचानिए, कोशिश कीजिए. ये फॉक्स टेल की तरह दिखता है, यानी कि फॉक्स के दुम की तरह, ऐसे लंबे दुम होते हैं. तो राइट आंसर इज फॉक्स टेल ऑर्चिड, इज नॉट सिरॉय लिली और द अदर ऑप्शन. सो फॉक्स टेल ऑर्चिड इज द राइट आंसर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्पाइसेस इज सिक्किम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? इसमें से कौन सा स्पाइस है जो सिक्किम देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उसका है, या वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? और फिलहाल में वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इसका हो गया है नेपाल, जो हमारा पड़ोसी है नेपाल, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और सिक्किम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, राइट. सो विच ऑफ दी स्पाइसेस, तो कौन सा क्या होगा आंसर इसका? लार्ज कार्डमम. और फ्रेंड्स ये भी देखिए ये कैसा दिखता है इस स्टेज पे, जहाँ ये फसल लग चुकी है, अब इसे तोड़कर फिर सुखाया जाएगा. यहाँ पे नहीं पता चलता ये क्या है, ये काफी कुछ आपको बेरी की तरह दिखता है, चेरी की तरह, बेरीज की तरह ज्यादा दिखता है, राइट. सो लार्ज कार्डमम इज द राइट आंसर. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आता जाएगा, और 25 क्वेश्चंस के सीरीज को आप बार बार कर ले, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा. पूरे कंट्री से जो भी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो तमिलनाडु से हो, गुजरात से हो, बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हो, ये सारा कुछ हम इंक्लूड करेंगे. और हाँ, हम ये भी इंक्लूड कर रहे हैं यूनियन टेरिटरीज. सो स्टूडेंट्स कीप इन टच विद अस. कैसे आप रह सकते हैं? आपको इसके लिए सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन दबाना होगा, फिर आपको तुरंत पता चल जाएगा ये जैसे जैसे हम डालते जाएंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.